हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू अवर चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर एंड दिस इज सत्यम परमार। कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट में बताइएगा। और आज अपन लोग देखेंगे यूजीसी नेट के पीवाईक्यू, यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे जो के ज्योग्राफी से संबंधित है। और पेपर फर्स्ट के भी आपके पीवाईक्यू डिस्कस चल रहा है, तो वो भी आप लोग जा करके स्टडी पीवाईक्यू चैनल से जा करके देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका दूसरा यूट्यूब चैनल है जो आपको देखने को मिल जाएगा स्टडी पीवाईक्यू के नाम से। इस पर आप लोगों को कंप्लीट पीवाईक्यूज का सॉल्व कराया गया है, जिसमें आपके यूजीसी नेट के भी हैं और साथ में टीजीटी पीजीटी इन सभी के आप लोगों को पीवाईक्यूज यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और पेपर फर्स्ट के भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर आप यूजीसी नेट विषय से संबंधित तैयारी करना चाहते हैं, जिसमें आप लोग का लक्ष्य है ज्योग्राफी से जेआरएफ पास करना, तो उसके लिए आप लोग हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जीएस दिवाकर भाई सर ये आपको मिल जाएगा। कहाँ पे, प्ले स्टोर पे जाएंगे तो वहां से आपको ये ऐप मिल जाएगा और ऐप की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, जहाँ पे ये आपके पीवाईक्यूज ही है जो पूछे गए थे पिछले ईयर्स में, और साथ में कुछ नए क्वेश्चन भी हैं, इनको भी यहाँ पे रखा गया है। तो आप लोग बने रहिएगा चैनल पर, अगर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए। यहाँ पे पहला ये कह रहा है कि होलबेक बालुका स्तूप विशिष्ट लक्षण है, किसका है ये? तो देखिए, पहले तो ये समझिए कि बनता किससे है होलबेक बालुका स्तूप। तो आप बालू सब देख रहे हैं इसमें, तो यानी कि संबंधित है किससे, रेत से संबंधित किससे हो जाएगा ये, रेत से। तो ये किससे बनता है, रेत के द्वारा या फिर वायु से बनता है ये। और ये कौन सा स्तूप है, तो ये हो जाएगा होलबेक बालू का स्तूप, जो कि कहाँ पे मिलता है, थार मरुस्थल में, गोबी मरुस्थल में, या फिर ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल में, या फिर सहारा के मरुस्थल में। आंसर दीजिए आप लोग, कहाँ पे ये मिलता है? तो ये मिलेगा आप लोगों को कहाँ पे, थार मरुस्थल में। कहाँ पे मिलेगा देखने को, थार के मरुस्थल में आप लोगों को ये वाला स्तूप देखने को मिलेगा। और ये थार मरुस्थल है कहाँ पे, तो ये हो जाएगा कहाँ, राजस्थान में। ठीक है, ये स्तूप कहाँ पे देखने को मिलता है, ये आपको जो थार मरुस्थल है ये कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये राजस्थान में देखने को मिलता है। तो ये क्या होता है, ये स्तूप टाइप का बन जाता है, टीले टाइप का बनता है, लेकिन यही टीला जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या होता है, इसका नाम चेंज हो जाता है और इसको कहा जाता है क्या, द्रास। द्रास क्या है, बृहत रूप है वेलबेक का ही। ठीक है, और ये कैसे बनता है, जब पवन क्या होती है, जो रेगिस्तानी क्षेत्र होता है उसके अनुदैर्ध्य चलती है, उड़ती रहती है, तो यहाँ की मिट्टी उड़ करके यहाँ पे जाकर के ये जमा हो जाएगी, और जो जमा होती है एक टीले टाइप में ये जमा हो जाती है, जब छोटा टीला होता है तो उसको होलबेक कह देते हैं, यानी कि जो मछली का सिला सिरा होता है पीछे पीठ वाला, उस तरीके का होता है। और ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाता है तो इसको क्या बोल दिया जाता है, द्रास बोल दिया जाता है। ठीक है, और इनकी ऊंचाई अगर कभी कभार पूछ लिया जाए, वैसे अभी तक पूछा नहीं गया है कि कितनी होती है, तो अगर इनकी पूछाई ऊंचाई अगर आपसे पूछी जाए तो वो होती है 5 से लेकर के 95, यानी कि 95 मीटर तक की इनकी ऊंचाई हो सकती है। ठीक है, इनको अपन लोग क्या बोल सकते हैं, अनुदैर्ध्य स्तूप भी इनको बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इनको, अनुदैर्ध्य स्तूप भी इनको कह सकते हैं। तो ये आप लोग समझ गए कि ये वेलबेक स्तूप है, बनता कैसे है, तो ये वायु के द्वारा बनता है। कहाँ पे बनता है, थार की मरुस्थल में बनता है, मरुस्थल है कहाँ पे, राजस्थान में है, और इसी का अगर बड़ा रूप हो जाए, बृहत रूप हो जाए, तो इसको द्रास कहा जाता है, इसी को अपन लोग अनुदैर्ध्य स्तूप बोल सकते हैं। और साथ में अगर इसकी ऊंचाई पूछ लिया तो 5 से लेकर के 95 मीटर तक की इसकी ऊंचाई हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दो वक्तव्य दिए गए हैं ए तथा आर के रूप में, और इनको अपन लोग को पढ़ना है, उनका आंसर देना है। पहला इसमें कथन ए कह रहा है कि शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में जल संघात पूर्व, यानी कि जो सीट फ्लड होता है, क्या होता है सीट फ्लड अभी बताएंगे, एक महत्वपूर्ण स्थलरूप निर्माणक क्रम है। ठीक है, एक मिनट फ्रेंड्स वेट कीजिएगा।
कारण इसमें बता रहा है इसका कि जो शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में उच्च तीव्रता वाली अल्पकालिक वर्षा होती है। ये क्या होती है? उच्च तीव्रता वाली अल्पकालिक जो वर्षा होती है, यानी कि बहुत ज्यादा तेजी से और बहुत कम समय के लिए जो वर्षा होती है, उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं? सीट फ्लड कहते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है? शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में जल संघात पूर्व जो सीट फ्लड है एक महत्वपूर्ण स्तर रूप निर्माण क्रम है। ये ठीक कह रहा है। और इसका कारण क्या बता रहा है? कि ये शुष्क प्रदेशों में होता है या फिर जो अर्ध शुष्क प्रदेश होते हैं वहां पे ये वर्षा होती है बहुत कम समय के लिए बहुत तेजी की। इससे यहाँ पे क्या बनते हैं? ये स्थल रूप बन जाते हैं। ये किससे बनते हैं? सीट फ्लड से बनते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ए और आर दोनों ही सही हो जाएगा और साथ में इनकी व्याख्या भी सही हो जाएगी। तो ऑप्शन आप लोगों के नीचे दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही से व्याख्या कर रहा है, या फिर बी ऑप्शन सही है आप लोगों का, ए सही किंतु आर गलत है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे निर्माण कैसे होता है स्थल रूप का, कि जब वर्षा बहुत तेजी से होती है और बहुत कम समय के लिए होती है तो उसका बहाव क्या होता है? बहुत तेज होता है। तो वो क्या करती है? मिट्टी को काटती हुई और भी जो स्थल रूप होते हैं, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, इन सभी को अपने साथ में ले जाती हुई और कहीं पर उनको रोक देती होगी, कहीं पर उनका निक्षेपण करती है। तो ये क्या होता है? कि स्थल रूप का निर्माण ही होता है कि कहीं से तो कोई सामान उठ के गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मिट्टी के टीले लगे हुए हैं, बारिश इतनी तेज हुई कि ये मिट्टी बह गई। यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे सपाट हो गया, समतल मैदान बन जाएगा और कहीं पर जाकर अगर इसने इकट्ठा कर दिया तो यहाँ पे छोटा सा एक टीला टाइप का बन जाएगा। तो ये क्या बना? ये जो भी परिवर्तन आया यहाँ पे, इसी को तो अपन लोग बोलते हैं स्थल रूप। क्या बोला जाता है इसको? स्थल रूप होता है। तो इसमें क्या होता है? जमाव और कटाव की प्रक्रिया चलती रहती है। किसकी? जैसे कि यहाँ से मिट्टी गई तो ये क्या हुआ? इसका कटाव हुआ। यहाँ पे मिट्टी जम रख दी इसने आकर के, क्योंकि पानी का बहाव इतना ही था, कम हो गया पानी का बहाव, तो यहाँ पे इसने ये मिट्टी रख दी। तो अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे जमाव हो गया, यहाँ पे कटाव की स्थिति हो गई। तो ये किसके कारण हो रहा है? सीट फ्लड के कारण हो रहा है। सीट फ्लड क्योंकि बहुत तेजी से बरसा है और बहुत कम समय के लिए है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा सीट फ्लड होता क्या है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आप लोग आंसर देने की कोशिश करा कीजिए, क्योंकि आप लोग इतनी देर में आंसर टाइप कर पाएंगे। चलिए फिर से आपका असाधारण रीजन का क्वेश्चंस है, इनको देखेंगे। हिमनदी द्रोणी का तल असाधारण रूप से सपाट होता है। ठीक है, दूसरा ये होता है कि जो हिमनदी द्रोणी है इसमें सपाट तल समरूप हिमनदी अपरदन द्वारा निर्मित होता है। तो यहाँ पे आप लोग बताइए कौन सा क्वेश्चन सही, ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे देखिए जो हिमनदी द्रोणी बनती है उसका तल कैसा होता है? असाधारण रूप से सपाट होता है। बिल्कुल, अगर आप देखोगे तो द्रोणी होती है इस तरीके का, तो यहाँ पे जो तल आपको देखने को मिलता है ये सपाट होता है, लेकिन ये अपरदन के द्वारा बता रहा है इसको, तो ये अपरदन के द्वारा तो नहीं होता है, तो इसलिए आपका आर तो गलत हो जाएगा। ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आर गलत है, ए सही हो जाएगा। ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, इनको देखते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए सूची एक को सूची दो से मिलाना है। पहले पे दिए गए हैं थॉर्नबरी, ड्यूरी दिए गए हैं, स्टीयर्स दिए गए हैं, स्टॉलर दिए गए हैं। नीचे इनकी पुस्तकें दी गई हैं, किसने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो वो आप लोगों को मिलाना है। ठीक है, ऊपर वाला नाम आपको दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पे लिख दे रही हूँ, यहाँ पे लिख दे रही हूँ, इनका नाम है थॉर्नबरी। ठीक है, किसने कौन सी पुस्तक लिखी है आप लोगों को ये बतानी है। तो देखिए बताइए, जो थॉर्नबरी है इनके द्वारा पुस्तक जो लिखी गई थी वो लिखी गई थी रिवर्स एंड रिवर टेरेस्टेस। ठीक है, यहाँ पर ये दी गई है, लेकिन इन्होंने कौन सी लिखी थी? प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी जो लिखी गई थी वो डब्ल्यू डी थॉर्नबरी के द्वारा लिखी गई थी। तो यहाँ पे सेकंड लिख लीजिए, फर्स्ट में सेकंड हो जाएगा। ड्यूरी के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो लिखी गई थी रिवर्स एंड रिवर टेरेस्टेस। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा?
सेकंड वाले का फर्स्ट हो जाएगा। स्टीयर्स के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी द अनस्टेबल अर्थ, तो जो आपका फोर्थ हो जाएगा, यहाँ पे आप लोगों का फोर्थ नंबर हो जाएगा। स्टीयर्स के द्वारा द अनस्टेबल अर्थ लिखी गई है। अब रह गए एंड में कौन, स्ट्रॉलर, तो इनके द्वारा जो लिखी गई है वो फिजिकल ज्योग्राफी लिखी गई है, जो कि यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है, पहला, चौथा, तीसरा, यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन में ए ही करेक्ट हो जाएगा, बाकी के तो सभी गलत हो जाएंगे। ठीक है, ए करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भूआकृति विज्ञान में गतिक संतुलन की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? देखिए, आपने पहले वाले जो सेशंस किए हैं उसमें कुछ है जिनके बारे में, इन सभी के बारे में हमने डिटेल में कराया हुआ है क्वेश्चंस में ही, तो आप उनको भी जाकर के देखिए, क्योंकि अगर हर सेशन में इनमें डिटेल कराएंगे तो आपका जो सेशन होगा बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग इन्हीं को एक एक को ही लेकर के चलेंगे, और डिटेल में आपको करा चुका है। चलिए, तो इनमें जो गतिक संतुलन है, डायनामिक थ्योरी है, इसकी जो अवधारणा है इसका प्रतिपादन किसने किया था? डेविस के द्वारा किया गया था, किंग के द्वारा, हैक के द्वारा, या फिर किर्कमे के द्वारा? तो जो ये किया गया था गतिक संतुलन की अवधारणा का प्रतिपादन, ये किया गया था जेटी हैक के द्वारा। पूरा नाम इनका क्या है? जेटी हैक। ठीक है, इनके द्वारा इस अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था, जेटी हैक ने किया था। ठीक है, और ये किस पर, नियमों पर की जाती है? ये गतिक यानी कि डायनामिक है, चलते रहने वाली अवधारणा इन्होंने दी थी। और क्या क्या बताया था इन्होंने कि इनके अनुसार जब जो बिभ्रत तंत्र होता है, जो भी आपका स्थल खंड होता है, अगर उसमें ऊर्जा रहती है तब तक उसमें स्थल रूप बनते रहते हैं। ये किसके अनुसार कहा गया था? जेटी हैक के अनुसार। इनकी थ्योरी अभी तक पूछी नहीं गई है, ये अवधारणा है तो इनकी अभी तक कभी पूछी नहीं गई है, सिर्फ इनकी इतना ही पूछा जाता है कि किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। धरातलीय ताप का भूमंडलीय प्रतिरूप सामान्यतः नियंत्रित होता है। जो अपना पृथ्वी है, धरातल है, उसका जो भूमंडलीय यानी कि इसमें किस किस के द्वारा उसका वर्णन किया जाता है, अपन लोग जब पृथ्वी को शामिल करते हैं या फिर उसका एक प्रतिरूप बनाते हैं, जैसे कि आप मैप ही बनाओगे तो उसमें आप क्या क्या ऐड करोगे, वो इसमें पूछा गया है। अक्षांश, देशांतर तथा ऊंचाई पूछी जाएगी, रखोगे, या फिर अक्षांश, देशांतर, महाद्वीप, महासागर विषमता, या फिर महाद्वीप, महासागर विषमता, देशांतर एवं ऊंचाई, या फिर महाद्वीप, महासागर विषमता, अक्षांश एवं ऊंचाई। देखिए, यहाँ पे भी आप लोगों को क्या करना है, इनको देखते हुए चलना है, और पहले कौन सा आना है, बाद में कौन सा आना है, वो भी आपको देखते हुए चलना है। तो देखिए, यहाँ पर क्या क्या रखना है आप लोगों को, महाद्वीप को सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद में महासागर विषमता है, कौन कौन से महासागर कहाँ कहाँ पे है, उसके बाद में उनके अक्षांश वगैरह आप लोग देखोगे कि कौन से अक्षांश पे कितनी दूरी दूरी पर ये पाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद में आप उनकी ऊंचाई देखोगे कि कौन सी हाइट किसकी ज्यादा है, किसकी कम है, तो ये भी आप लोग रखेंगे, तभी उसका एक प्रतिरूप बनाएंगे। आपके प्रतिरूप यानी कि एक मैप, या फिर आप जो भी अपने कॉपी पर बनाएंगे, या फिर मैप ही नॉर्मल जो होता है वो बनाएंगे। ठीक है, ऊंचाई में क्या होता है कि समुद्र तट से दूरी कितनी है, जैसे समुद्र का ये बेस लेवल हो गया, ये तो बेस लेवल है, लेकिन जब अपन स्थल रूप की ऊंचाई मापते हैं, ये यहाँ पे स्थल रूप हो जाएगा, तो ये बेस लेवल से कितना ऊंचा है, इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, ऊंचाई मापेंगे। ठीक है, अक्षांश रेखा कैसे मापेंगे कि जो विषुवत रेखा है, जैसे अपनी ये पृथ्वी हो गई, ठीक है, ये विषुवत रेखा हो गई, ये आपका पोल एरिया हो गया यानी कि ध्रुव क्षेत्र हो जाएगा, तो यहां से यहां तक जाने में कितनी दूरी लग रही है, तो इसी के हिसाब से अपन लोग ऊंचाई मापते हैं, और इसी के हिसाब से अपन लोग क्या मापेंगे, अक्षांश मापेंगे। वो क्यों मापेंगे, क्योंकि जब अपन लोग विषुवत रेखा से 0 डिग्री से जाएंगे ऊपर की तरफ में, तो क्या होगा, तापमान में अंतर देखने को मिलता है। क्या मिलता है, जो तापमान होता है उसमें अंतर देखने को मिलता है, तो इसलिए आप लोगों को क्या मापना है, अक्षांश मापना है। ठीक है, तापमान क्या होता है, यहाँ पे भूमध्य रेखा पर ज्यादा होता है, और जब आप पोल एरिया में जाते हैं यानी कि ध्रुवों तक जाते हैं, तो वो जो तापमान होता है वो क्या होता है, कम होता जाता है, और जब आप ऊपर जाएंगे तो वो 0 से भी नीचे चला जाता है, यानी कि माइनस में यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलता है, तो इसीलिए आप लोग क्या करते हैं, अक्षांश को मापते हैं। ठीक है, बाकी की महासागर और महाद्वीप को तो मापना ही मापना है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक भूमंडलीय प्रतिरूप बनेगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये थॉर्नथवेट है जिनके द्वारा क्या दिया गया था, जलवायु वर्गीकरण दिया गया था, उनके प्रमुख मानदंड क्या है, यानी किस किस को उन्होंने आधार बनाया था, तब अपना अपना उन्होंने क्या दिया था, जलवायु वर्गीकरण सिद्धांत दिया था, कौन कौन से इनके रहे थे। तो यहाँ पे देखिए, वर्षा की प्रभावशीलता दिया गया है, तापीय दक्षता दिया गया है, संभाव्य बाष्पन बाष्पोत्सर्जन दिया गया है, और विकिरण दक्षता दिया गया है। तो यहाँ पे उन्होंने कौन कौन से माने थे, तो आप लोग को पता होगा कि जो थॉर्नथवेट है, इन्होंने जो अपना वर्गीकरण दिया था 1931 में दिया था। कब दिया था, 1931 में इन्होंने अपना जलवायु का वर्गीकरण दिया था, लेकिन इन्होंने फिर से उसमें संशोधन किया। और संशोधन कब किया, दोनों डेट को आप याद रखिएगा क्योंकि दोनों डेट इसमें पूछी जाती हैं। 1948 में इन्होंने अपना क्या कर दिया, इन्होंने अपना फिर से संशोधन किया, जो इनकी कमी रही थी उन्होंने इसको हटा करके फिर से ऐड किया। और इन्होंने आधार जो बनाया था, किसकी तरह बनाया था ये, इन्होंने जो अपना जलवायु वर्गीकरण दिया था वो कोपेन की भांति ही दिया था, पर थोड़ा सा उनसे अलग था। कोपेन ने अच्छा दिया था, और कोपेन ने किसकी भांति दिया था, कैंडोल को आधार बनाया था। ठीक है, तो ये थोड़े से तीन इंपोर्टेंट है जलवायु वर्गीकरण में, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोपेन ने क्या किया था, वनस्पति और जलवायु की सूचक होती है, तो इन्होंने भी क्या किया था, वनस्पति को जलवायु की सूचक माना था, थोड़ा सा इनका सेम रहा था। और इन्होंने जो आधार बनाया था वनस्पति पर, वर्षा की मात्रा एवं तापमान का पर्याप्त प्रभाव होता है, ये भी कहा था, यानी कि जो वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, बढ़ते हैं, घटते हैं, टूटते हैं, हरे भरे होते हैं, ये किसके कारण होते हैं, इन्होंने इसका कारण जो माना था वो जलवायु को माना था, तापमान को माना था, इन दोनों को इन्होंने आधार माना था, किसके लिए, वनस्पति के लिए। ठीक है, और इन्होंने किसको ध्यान में रखा था, बाष्पीकरण को भी ध्यान में रखा था, किस किस को रखा था, बाष्पीकरण को भी ध्यान में रखा था। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सा हो जाएगा, वर्षा की प्रभावता, यानी कि जब वनस्पति बढ़ती है, हरे भरे पौधे होते हैं, या फिर उनका विकास जो होता है उसमें उन्होंने जलवायु को रखा था, तो जलवायु में कौन हो जाएगा आपका, वर्षा हो जाएगी। और जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पति होती है, उनके लिए उन्होंने किसको माना था, कारण माना था, तापमान को भी माना था, कि जहां पे तापमान में अंतर होगा वहां की वनस्पति अलग होगी, और तापमान के हिसाब से ही वनस्पति पैदा होगी, उनका विकास होगा। तो यहाँ पे तापीय दक्षता को भी उन्होंने रखा था, और बाष्पन का भी उन्होंने जिक्र किया है। तो यहाँ पे आपके ए बी सी, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है। विकिरण दक्षता की उन्होंने कोई भी बात नहीं की थी, तो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा। देखिए कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पे बी करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि इसी में दिया गया है, पहला दूसरा और तीसरा ये करेक्ट हो जाएगा। डेट दोनों याद रखिएगा, कब संशोधन हुआ था, कब इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, दिया 1931 में था, संशोधन 1948 में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी का अनुमानित औसत एल्बिडो, देखिए एल्बिडो क्या होता है, जब जो पृथ्वी होती है उस पर प्रकाश आता है, और वो कितना प्रकाश, जो ऊर्जा होती है सूर्य की ऊर्जा, जो सनलाइट उस पर पड़ती है, वो कितना वापस करती है, उसका यहाँ जो वापस करने वाली जो ऊर्जा होती है उसी को क्या बोला जाता है, एल्बिडो बोला जाता है। तो उसका जो अनुमानित औसत एल्बिडो है वो तो होता तो कितना है, यहाँ पे देखिए अगर इस हिसाब से देखा जाए तो कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं दिया गया, क्योंकि जो पृथ्वी का औसत एल्बिडो है वो कितना है, टोटल 30% है, कितना है, 30% पृथ्वी का औसत एल्बिडो है, लेकिन यहाँ पे 32 दिया गया है। अगर आप इसके लमसम लगाओगे तो आप कितना लगाओगे, 32% लगा दोगे, अगर उसमें ऑप्शन सही माना जाएगा तो। वैसे ही ऑप्शन इसमें एक भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो करेक्ट डेटा है वो कितना हो जाएगा आपका, 30% हो जाएगा। ठीक है, और सब सर्वाधिक एल्बिडो किसका होता है, सबसे ज्यादा जो परावर्तन करती है ऊर्जा प्रकाश का, वो कौन करता है, ये करते हैं बर्फ। ठीक है, बर्फ सबसे ज्यादा क्या करता है, इनका एल्बिडो सबसे ज्यादा होता है, साथ में बादल का भी होता है। तो आप लोग जब पूछे जाए कि सर्वाधिक किसका होता है, तो आप बर्फ लगा देंगे, और पूछा जाए पृथ्वी का कितना होता है, तो पृथ्वी को 30% होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखिए। और अगर ये भी पूछा जाए कि जो एल्बिडो है
इसकी मात्रा भूमध्य रेखा पर ज्यादा है या फिर ध्रुवों के पास में ज्यादा है। तो इसकी जो मात्रा होगी वो कहाँ पे ज्यादा होगी, भूमध्य रेखा की यानी कि जो सॉरी पोलर एरिया यानी कि जो ध्रुव क्षेत्र है यहाँ पे ज्यादा एल्बिडो होगा और भूमध्य रेखा पर कम होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्यनुवर्ती सरता सामान्यतया प्रवाहित होती है, कैसे होती है, अनुवर्ती सरता के अनुरूप होती है या फिर अनुवर्ती सरता के विपरीत होती है या फिर अनुवर्ती सरता के समकोण पर होती है या फिर अनुवर्ती सरता के विकर्ण पर होती है। तो देखिए जो प्रत्यनुवर्ती सरता है, प्रत्यनुवर्ती यानी कि थोड़ा उल्टा ही है इसका, तो ये कहाँ पर चलती है, जो अनुवर्ती सरता यानी कि ये आपकी एक नदी आ रही है इसका बहाव तेज है, ठीक है, और दूसरी नदी इधर से आ रही है कम बहाव वाली, ठीक है, इस तरीके से ये आ रही है और कहीं पर जाकर के इसमें ये क्या होगी, इस तरीके से नदी जा रही है और इसमें आकर के ये मिल जाएगी। तो ये क्या है, ये इसका बहाव तो इधर था, ये कौन सी हो जाएगी, अनुवर्ती सरता हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है, और इसका बहाव जो था वो इस साइड था, ये कैसी हो जाएगी, प्रत्यनुवर्ती सरता हो जाएगी, लेकिन एक समय पर आकर के इससे जाकर के ये मिल जाएगी, मिल करके ये फिर से इसके साथ में बह करके चलती, तो ये कौन सा कैसा बहाव हो जाएगा, प्रत्यनुवर्ती सरता हो जाएगी जो कि अनुवर्ती सरता के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, जो कि उसमें आकर के ये मिल जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और ये मिलती कैसे है, तो ये समकोण पर आकर के मिल जाती है, इसी को क्या बोलते हैं, प्रत्यनुवर्ती सरता बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूआकृति विज्ञान में एकरूपतावाद के सिद्धांत के प्रथम पोषक कौन रहे थे, किसने दिया था एकरूपतावाद का सिद्धांत, डेविस के द्वारा, प्लेफेयर के द्वारा, गिलबर्ट के द्वारा या फिर हट्टन के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। तो ये जो सिद्धांत है एकरूपतावाद का ये किसने दिया था, ये दिया गया था हट्टन महोदय के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इन्होंने एक अपना स्टेटमेंट भी दिया था जो भी पूछा जाता है आप लोगों का कि वर्तमान भूत की कुंजी है, ये आपको ये क्या दिया जाएगा, इनका ये आपका फैक्ट दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि किससे संबंधित है, तो इसमें आपको ये नाम भी दे सकता है या फिर ये नाम भी दे सकता है, तो दोनों को ये आप लोग याद रखेंगे कि या तो वो एकरूपतावाद से संबंधित है या फिर हट्टन के द्वारा ये दिया गया है स्टेटमेंट, तो दोनों को ये आप लोग याद रख लेंगे। ठीक है, और ये दिया क्यों था, क्योंकि इन्होंने कहा था जो भूगर्भिक प्रक्रम है, जो आपकी आज की स्थलाकृतियां हैं वो पहले भी इसी तरीके की रही होंगी, इसी तरीके से उनका बनने का प्रारूप रहा होगा कि उनमें भी पहले अपरदन होता होगा, निक्षेपण होता होगा जैसा आज के टाइम में हो रहा है, तो इसीलिए उन्होंने क्या अवधारणा दी अपनी, एकरूपतावाद की अवधारणा दी, क्योंकि और उसके बाद में अपना स्टेटमेंट दे दिया कि जो वर्तमान है वह भूत की कुंजी, यानी कि आज का जो अपना प्रेजेंट है वो किसका हो जाएगा, पास्ट की चाबी हो जाएगी। अगर आप लोगों ने आज को जान लिया कि किस तरीके से आज का जो समय चल रहा है, किस तरीके से स्थल रूप बन रहे हैं, ये नदियां बह रही हैं, पवने चल रही हैं, अगर आज जान लिया क्या कारण है, और यही आप लोग किसके जान जाएंगे, पास्ट के बारे में कंप्लीट जान जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से किस संयंत्र को बेवर के द्वारा प्रतिपादित आदर्श स्थानिक त्रिभुज में निम्नतम स्थानीकरण लागत माना गया है, बोकारो को, भिलाई को, राउरकेला को या फिर दुर्गापुर को, तो बताइए किसको माना गया है यहाँ पे, तो उन्होंने आदर्श स्थान माना था कि यहाँ पे क्या होगा आपका जो निम्नतम लागत होगी, यानी कि जब परिवहन वगैरह होगा तो वो कम लगेगा और यहाँ से आपको लाभ ज्यादा होगा, तो वो किसको माना गया है, ये माना गया है यहाँ पे बोकारो को, किसको माना गया है, बोकारो को माना गया है, वो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए में ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बोकारो हो जाएगा, यहाँ पे क्या होता है लाभ अधिक होगा और लागत यहाँ पे कम होगी, जहां पे लाभ अधिक हो लागत कम हो उन्होंने इसको अच्छा स्थान माना हुआ है वेबर के द्वारा, तो आप लोग जब वेबर का मॉडल पढ़ेंगे उसमें आपको समझ में आएगा कि हाँ कैसे होता है, और आप लोग के लिए एक नया सेशन और शुरू होने वाला है जिसमें आप लोग क्या करेंगे, कंप्लीट मॉडल्स एंड
थ्योरीज का सेशन ये यहाँ पे होने वाला है। जितने भी क्वेश्चन मॉडल्स एंड थ्योरी आपके यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं ज्योग्राफी से संबंधित, ठीक है, यूजीसी नेट में जितने भी मॉडल एंड थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं तो उनके आप लोग के कंप्लीट मॉडल कराए जाएंगे। करीब 60 के करीब में मॉडल तैयार किए हुए हैं, तो आपके हो सकेगा तो 25 तारीख से ये वाला सेशन शुरू हो जाएगा। और उसके लिए आप लोग कहाँ पे जाएंगे, ऑनलाइन जीएस दिवाकर वाले पे चैनल पे जाएंगे आप लोग, तो वहां पे आपको ये वाला सेशन कंप्लीट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग 25 तारीख याद रखिएगा, तब आपसे ये सेशन मिल जाएगा पूरा कंप्लीट। इसमें थ्योरी जितने भी आपके 10 यूनिट से थ्योरीज पूछी जाती हैं उन सभी को डिस्कस किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गौड़ों का बृहत संकेंद्रण होता है, यानी कि जो गौड़ है एक क्या है, जनजाति है, क्या हो जाएगी, एक जनजाति है, और ये कहाँ पे ज्यादा पाई जाती है पूछा गया है। कोरापुट प्रदेश में, अरावली क्षेत्र में, या फिर छोटा नागपुर प्रदेश में, या फिर बस्तर प्रदेश में ये आपकी जनजाति पाई जाती है। बताइए कहाँ पे पाई जाती है और आंसर कीजिए। तो जो गौड़ है ये ज्यादातर आप लोगों को मिलेंगी बस्तर प्रदेश में। कहाँ पे मिलेंगी, ज्यादातर बस्तर प्रदेश में, और ये है कहाँ पे, तो ये जो आपका बस्तर प्रदेश है ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। कहाँ पे है ये, छत्तीसगढ़ में है, बस्तर जिला है जहां पे ये गौड़ जनजाति बहुत ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। और इनके कुछ वर्ग भी हैं जो पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, गौड़ों के वर्ग कौन कौन से होते हैं, इनसे जनजातियों से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो यहाँ पे हो जाएंगे जैसे मारिया है, ये गौड़ों के ही क्षेत्र वो हो जाएंगे, वर्ग हो जाएंगे, मारिया हो जाएगा, भटारा हो जाएगा, ठीक है, भटरा हो जाएगा, और साथ में गडावा है, ठीक है, गडावा है, हालवा है, हालवा के बाद में यहाँ पे आपका ठाकर है, ठीक है, ठाकर अलग है, ठाकुर अलग है, ये आप किसके हो जाएंगे वर्ग, ये आपके गौड़ों के वर्ग हो जाएंगे। और भी इनका अगर संकेंद्रण पूछा जाए कि कहाँ कहाँ पे और पाए जाते हैं, तो वो भी आप लोग याद रख लीजिए कि एक ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, उसके बाद में आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है, और इनके भी कौन से क्षेत्र में रहते हैं, ये पठारी क्षेत्रों में ज्यादातर रहते हैं। किस में रहते हैं, ये पठारी क्षेत्रों में ये ज्यादातर रहते हैं। ये भी आपका जो बस्तर प्रदेश है ये भी एक पठारी रीजन ही है, यहाँ पर ये लोग पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में स्थलाकृत मानचित्रों का निर्माण किया जाता है, जो मानचित्र बनते हैं स्थलाकृति मानचित्र वो कहाँ पे बनते हैं, NATM या फिर भारत का सर्वेक्षण विभाग में, या फिर NRSA में, या फिर DRDO के द्वारा ये बनाए जाते हैं। तो आपका जो मानचित्र जो आप पढ़ते हैं, जो आप जिसमें आप लोग पूरा नक्शा देखते हैं, वो कहाँ पे बनाया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है किस पे, NATMO। अब इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आप लोगों के, जो आपके PG वगैरह के एग्जाम होते हैं उनमें इसके इस फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो वो आप लोग लिख लीजिए कि इसकी जो फुल फॉर्म होती है नेशनल एटलस, नेट एक मिनट, हाँ, एटलस थीमेटिक मैपिंग। मेरी राइटिंग थोड़ी ज्यादा सुंदर है तो कोई बात नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये आप इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछी जा सकती है, इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, बाकी के सभी गलत हैं। निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति का सामान्यतः उपयोग में आने वाला मापन कौन सा है, कौन सा हो जाएगा जिसमें केंद्र में मापा जाता है, माध्य है, माध्यिका है, या फिर बहुलक है, या फिर हरात्मक माध्य हो जाएगा। तो जो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होता है उसमें जो आपकी आती है वो माध्यिका आती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी के सभी क्या हो जाएंगे यहाँ पे, गलत हो जाएंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़िए। ज्योग्राफी का शीर्षक से कई ग्रंथ लिखने वाले लेखक की पहचान करनी है, यहाँ पे किसने कई सारे ग्रंथ लिखे हुए हैं,
यहाँ पे ऑप्शन दिए गए एरेटास्तनीज या फिर टॉलमी के द्वारा, स्ट्रैवो के द्वारा या फिर हेरोडोटस के द्वारा। तो ये जो ग्रंथ लिखे गए थे ये लिखे थे किसने? स्ट्रैवो के द्वारा इन्होंने ये अपने ग्रंथ लिखे थे, जिसको एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। सी ऑप्शन आप लोगों के करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने क्या किया था, जो पृथ्वी है पृथ्वी को इन्होंने 360 अंशों में, यानी कि जो आप लोग पढ़ते हैं उसमें इन्होंने विभक्त किया था। और इन्होंने जो दूरी बताई थी प्रत्येक अंग की, यानी कि जो डिग्री देशांतर वगैरह होता है, इसकी जो दूरी बताई थी इन्होंने 700 स्टेडिया बताई थी। कितनी बताई थी? 700 स्टेडिया बताई थी। पूछा तो नहीं क्या है, आप लोग थोड़ा सा फिर भी नोट करके चलिएगा, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है। और जो स्ट्रैबो है इन्होंने और क्या किया था, जो पृथ्वी है पृथ्वी को कुल कितने गठबंधों में बांटा था? 5 गठबंधों में इन्होंने बांटा हुआ है। तो ये भी आपके पूछे जा सकते हैं, जिसमें एक तो इन्होंने विषुवत रेखा रखा था, ठीक है, विषुवत रेखा को इन्होंने रखा है। दो इन्होंने उष्णकटिबंधीय क्षेत्र रखे, ठीक है, दो इन्होंने क्या रखे? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र रखे थे। और दो इन्होंने क्या रखे? ध्रुवीय क्षेत्र रखे थे, ध्रुवीय कटिबंध रखे थे, ठीक है। ये इन्होंने 5 रखे थे। इन्होंने शीतोष्ण को नहीं माना है, इन्होंने उष्ण और ध्रुवीय दोनों ही लिए थे, और विषुवत रेखा को इन्होंने लिया था। तो ये आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत में हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए क्या है इसमें, हरित क्रांति के संबंध में कौन सा सही नहीं होगा? उन्नत बीजों, सघन सिंचाई तथा रासायनिक उर्वरकों का उपयोग इसकी विशेषता थी। यानी कि यहाँ पे क्या करना था, उन्नत बीज रखने थे, यानी कि अच्छे हाइब्रिड बीजों का अपन लोगों को यूज करना है, ऐसा तो था। सघन सिंचाई होनी चाहिए, बिल्कुल, इसी से तो अपनी क्या होगी, उपज अच्छी होगी। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया गया था, हाँ बिल्कुल, इसमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन तो आपका सही ही है, लेकिन इसमें सही नहीं पूछा गया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा ये कह रहा है कि यह पंजाब में, हरियाणा में और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसमें गेहूं के लिए इनकी उत्पादन में वृद्धि से ये प्रारंभ हुई थी। यानी कि जो हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी वो किससे प्रारंभ हुई थी? शुरुआत इसकी पंजाब से हुई थी, और थोड़े टाइम बाद ये हरियाणा में भी पहुंची, और उसके बाद में पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है वहां पे भी पहुंची। क्यों? क्योंकि गेहूं का अच्छा उत्पादन हो, और जो गेहूं का उत्पादन हो रहा है उसमें वृद्धि हो, तो इसके लिए फैली थी ये, ठीक है। बी ऑप्शन भी आपका सही है, तो सही को अपन लोग क्या करना है, गलत करना है। आगे कह रहा है कि इसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण आय में विषमता बढ़ी थी, बिल्कुल बढ़ी थी। जो गांव वाले क्षेत्र हैं और जहां पर खेती अच्छी होगी तो उसमें क्या होगा, आय में विषमता होगी। तो ये भी आपका सही हो गया। सी भी यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सही है। और इसके कारण मोटे अनाजों के उत्पादन में प्रचुर वृद्धि हुई थी। देखिए, मोटे अनाजों के उत्पादन में यहाँ पे वृद्धि नहीं हुई थी, जो हरित क्रांति है इसके कारण जो जिन अनाजों में वृद्धि देखी गई थी वो कौन कौन से थे? पहला तो इसमें गेहूं था, और इसके बाद में चावल था, ठीक है। इन दोनों में बहुत ज्यादा वृद्धि देखी गई थी, क्योंकि इनमें जो रासायनिक उर्वरक है उनका यूज किया गया था, और साथ में हाइब्रिड बीजों का भी यूज किया गया था, और सिंचाई के लिए फिर कई सारी नहरें वगैरह भी यहाँ पे चलाई गई थी। तो जो प्रचुर मात्रा में वृद्धि देखी गई है वो ये दो फसल है, बाकी मोटे अनाज इनमें नहीं आएंगे, ठीक है। ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा वो डी होगा, क्योंकि डी ही गलत दिया गया है, बाकी के सभी सही हैं, तो सही के हिसाब से वो गलत हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे फसल पर अनेक कारणों के दुष्प्रभाव की संभावना होती है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण कारण है क्या होता है? फसल के दुष्प्रभाव का कारण इसमें पूछा गया है कि क्यों उनका दुष्प्रभाव होता है। अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में ह्रास होना, या एक मारक कीटों एवं बीमारियों का आक्रमण होना, व्यापार में तटकर अवरोध होना, या फिर स्थानापन्न विकल्पों का विकास होना। कौन सा ऑप्शन आपका जो सही लग रहा है? यहाँ पे देखिए क्या होगा, जब फसल होती है उनका दुष्प्रभाव कब होता है? जब जो स्थानापन्न यानी कि जो विकल्प होते हैं उनका विकास हो जाता है। कि यहाँ पे आप लोग क्या कर दीजिए कि कहीं पे आप लोग बाजार में कई तरीके की, जैसे आप जाएंगे तो वहां पे बीज मिलते हैं बहुत तरीके के। यहाँ पे देखिए
इस तरीके आप लोग ये वाला बीज डालेंगे, इसकी उपज ज्यादा होगी। जमीन तो आपके पास में एक ही है, इसी में आपको सब करना है। यहाँ पे आपको गेहूं करने हैं, चने करने हैं वगैरह वगैरह, फिर आपको सिंपल गेहूं ही करना है। अब आप लोग जाएंगे क्या करेंगे, शॉप वाले के पास में जाएंगे और उसने कहा कि क्या हुआ कि देखिए ये सस्ता बीज है। क्या है ये बीज सस्ता है और बहुत ज्यादा अच्छा है, इसकी उपज बहुत अच्छी है, तो आपने इस साल तो इसमें ही डाल दिया। अब इसकी उपज आपको ठीक नहीं लगी, कम लगी, दूसरे साल गए दूसरे दुकान वाले के पास में, उसने बोला कि नहीं देखिए वो जो आपको पहले वाला बीज दिया गया था बहुत ज्यादा बेकार था, अब आप ये वाला लेकर के देखिए और इसमें आपको क्या होगा, बहुत अच्छी फसल होगी। और हमने इसको गेहूं डाला हुआ है, हमारे खेत में यही डले हुए हैं, और इससे क्या हो रहा है, हमने तो 4 साल इसी इसी का यूज कर रहे हैं, हमारा खेत बहुत अच्छा है और इसमें इतने ज्यादा उर्वरकों का यूज नहीं करना होता है। तो अब की बार में जो खेत वाला है वो इसको ले आएगा, तो इसमें क्या होता है बहुत सारे विकल्प होते हैं इनका, वो यूज करता जाता है और इसमें क्या हो जाता है कई सारे जो दुष्प्रभाव है उनको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए। और फिर इसमें क्या होता है, ये चीजें फिर महंगी होने लगती हैं, जब उनकी उपज कम है, महंगी कम महंगी ज्यादा हो जाएंगी तो इनकी क्या होगा, बाजार में डिमांड तो होगी लेकिन आपके पास में चीज नहीं होगी, तो ये भी एक दुष्प्रभाव का ही कारण होता है। तो आप लोग का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो डी होगा, बाकी के ए बी सी कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। टॉफे के जो परिवहन मॉडल है उसमें कई विकास की अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं की संख्या कितनी है ये पूछा गया है, 4 है, 2 है, 6 है या फिर 8 है। तो जो टॉफे का परिवहन मॉडल है इसमें विकास की कितनी अवस्थाएं हो जाएंगी, 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई हुई हैं। ए ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आपको मॉडल एंड थ्योरीज कब मिलेंगे, ये 25 से आपको कंप्लीट सेशन फ्री रहने वाला है और आप लोग आकर के देखेंगे किस पर, ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिट्टी जल तथा ऊष्मा की उपलब्धता के क्रम में निम्नलिखित में से जीवों की कौन सी व्यवस्था सही है। ठीक है, सवाना है, सवाना के बाद में घास स्थल दिया गया है, उसके बाद में बन दिए गए हैं, टुंड्रा एवं मरुस्थल दिया गया है, इनका क्रम पूछा गया है आप लोगों से। फिर उसके बाद में सवाना, बन, घास स्थल, टुंड्रा एवं मरुस्थल हो जाएगा, उसके बाद में टुंड्रा है, वन है, घास स्थल, सवाना, मरुस्थल, या फिर वन, सवाना, घास स्थल, मरुस्थल एवं टुंड्रा हो जाएगा। तो इनका जो क्रम सही से देखा जाए, अगर आप लोग चलेंगे कहाँ से, विषुवत रेखा से लेकर के आप लोग ध्रुवों की ओर में चलेंगे, तो ये वाला क्रम आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए, विषुवत जो आपकी भूमध्य रेखा है या फिर विषुवत रेखा है, इसके नजदीक में आपको क्या देखने को मिलेंगे, घने वन देखने को मिलेंगे, उसके बाद में आपका सवाना रीजन आता है, सवाना रीजन के बाद में यहाँ पे आपके जो छोटे छोटे जो प्रेयरीज वगैरह, स्टेपीज वगैरह, ये घास के स्थान आते हैं, उसके बाद में आप लोगों के मरुस्थल आएंगे, और एंड में जो पोलर एरिया है यहाँ पे आप लोगों को टुंड्रा रीजन देखने को मिलेगा। तो जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी के सभी कौन से हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। बस आपको क्वेश्चन थोड़ा सा समझना है कि हाँ इसमें पूछा क्या गया है, फिर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। कक्ष वनस्पति यानी कि मैंग्रोव के वन मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस नदी के डेल्टा के समुद्रागम में पाए जाते हैं, कृष्णा में, कावेरी में, महानदी में, या फिर एंड में जो आपकी दी गई है वो गंगा नदी दी गई है, और पूछे कौन से गए हैं, मैंग्रोव वन पूछे गए हैं कक्ष वनस्पति के। ठीक है, तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो ये देखिए आपको कक्ष वनस्पति के मैंग्रोव वन पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपका कावेरी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि सी में दिया गया है। ये कहाँ पर पाई जाती है, कावेरी डेल्टा के क्षेत्र में ये पाई जाती है, बाकी के सभी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो ये आपका जो सेशन हो गया, टोटल आज आप लोगों ने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, ये आपका पार्ट फर्स्ट है। पार्ट सेकंड में इसके अपन लोग आगे वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और ये आपको सेशन कैसा लगा है ये आप हमें जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो क्या करेंगे, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड सेशन को आप लोग लाइक करेंगे एंड अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, अपना प्यार जरूर बनाए रखिएगा, मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।